तो स्वामी जी, ये नाभि थेरेपी क्या चीज है? तो देखो, नाभि में सरसों का तेल तो सभी के घर में है, और ये नारियल तेल भी हम सबको दे देते हैं। वो पतली वाला जो है ना, ये वाला जो है ना, ये थोड़ा जम जाता है इसमें, तो इसलिए हमने ये दूसरा डब्बा खोल दिया। अभी ये वाला डब्बा, इस वाला, अब ये तेल ना ऐसे इसको नाभि में लगा दो। नाभि बड़ी गर्म होती है। अब ऐसे नाभि में नारियल का तेल लगाएंगे तो बाल चमकदार होंगे। अब नाभि में तेल लगाया, बाल चमकने लगे और होठ फटने बंद हो जाएंगे, एड़ियां फटनी बंद हो जाएंगी। एड़ी से और चोटी तक असर होता है नाभि में तेल लगाने का। नाभि में तेल लगाएंगे, एड़ी नहीं फटेगी, बाल चमकदार होंगे नारियल तेल लगाने से, सरसों का तेल लगाने से, और इसमें थोड़ा सा फिर हींग और डाल दो तो पेट दर्द कभी नहीं होगा। अरंडी का तेल लगा दिया नाभि में तो पीरियड की दिक्कत नहीं होगी। बादाम का तेल, ये बादाम का तेल है, बादाम का तेल, और इसमें थोड़ा ये गाय का घी, ये पतंजलि गाय का घी हमने पूरे हिंदुस्तानी को उपलब्ध करा दिया। ये गाय का घी भी ले लिया। अब इन दोनों को मिला दिया और मिला करके नाभि में भी लगा दें। हाँ, नाभि में भी लगा दें इसको ऐसे ये, और इसी को फिर स्किन में भी लगा दें, और स्किन में लगाने से और नाभि में लगाने से स्किन फिर चमकती रहेगी। मतलब ये कि नाभि से लेकर सिर और पैरों तक पूरी पाइपलाइन बिछी हुई है। ये कमाल का फॉर्मूला स्वामी जी आज आपने दिया है। अब ये रोज करना होगा। हाँ, सिर से लेकर के और पैर तक, एड़ी से लेकर चोटी तक इसका असर होगा। आप ऐसे रोज हम कुछ ना कुछ नई थेरेपी बताते रहेंगे, सबको स्वस्थ बनाते रहेंगे, सबको चमकाते रहेंगे। आंखें चमकेंगी, बाल चमकेंगे, गाल चमकेंगे, पूरा हिंदुस्तान चमकेगा, दमकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।